विभिन्न आयामों के बारे में यूट्यूब के माध्यम से जानते रहते हैं। और आज हमारे बीच है विद्या भारती बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री ख्याली राम जी। आज हम इनसे जानेंगे कि विद्या भारती में जो अलग अलग विधाएं उनको हम कैसे और किस प्रकार प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। श्रीमान विद्या भारती में एक विद्या भारती के हर बैनरों पर लिखा होता है शिक्षा सेवा और संस्था। तो हमने कल इस कड़ी में बात किया था शिक्षा के बारे में, संस्कार के बारे में, उसमें एक सेवा है। तो विद्या भारती जो सेवा का जो विभाग है उस पर क्या इसका क्या तात्पर्य है और किस तरह आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं, बच्चों के बीच में सेवा का भावना कैसे बढ़ाते हैं? मैं बच्चों के बीच में एक संदेश दिया है, हम कहते शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। हर भैया बहन के मन के अंदर ये आए कि मुझे अपने लिए नहीं जीना, समाज के लिए जीना है। मुझे अपने लिए नहीं करना, समाज के लिए भी करना है। इसीलिए मेरा अपने साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। ऐसा भैया बहनों के बीच में एक संदेश जाए। अधिकतर मानवीय स्वभाव क्या है, सब अपने लिए करना चाहते, समाज के लिए नहीं करना चाहते। हम कहते हैं मैं भी जीऊँ समाज भी जिए, मैं अपने लिए भी करूँ समाज के लिए भी, उतनी जिम्मेदारी है भैया बहन की या आचार्य की जितनी अपने व्यक्तिगत हित के लिए है। इसलिए अपने हम कहते हैं कि सेवा के द्वारा संस्कार, माने सेवा के द्वारा संस्कार माने अपनेपन का भाव आए, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति सेवा वहाँ करना चाहता है जहाँ उसे अपनापन दिखाई दे। सामान्यतः व्यक्ति वहाँ सेवा नहीं करना चाहता जहाँ उसका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन जब अपनेपन का भाव आता है, चाहे अपना देश है, चाहे अपने देश की संस्कृति है, चाहे अपने देश का समाज है, चाहे देश का व्यक्ति है, इसीलिए उसको साथ लेकर के उसको साथ जोड़ करके काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा नर सेवा नारायण सेवा। मैं नर सेवा में समाज की सेवा, व्यक्ति की सेवा, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। अगर ये हमने किया तो निश्चित रूप से एक दिशा बदल जाएगी। अभी तक सामान्य समाज में अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान के लिए सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको लगता है मेरिट आनी चाहिए, लेकिन उसके ध्यान में ये भी आता है कि कुछ सेवा का भाव भी आना चाहिए, संस्कार भी आने चाहिए। सेवा का और संस्कार का भाव नहीं रहा तो देखो आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। जो संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो कैसा बनता है? तो संस्कार युक्त शिक्षा अगर पाई तो कौन? अब्दुल कलाम सृजन करता बना। और सेवा संस्कार युक्त शिक्षा नहीं पाई इसलिए योग बना, इंजीनियर बना, लेकिन ओसामा बिन लादेन बना जो विध्वंसक बना। अब विध्वंसक चाहिए या निर्माणकर्ता सृजनकर्ता चाहिए? ऐसे दो लोगों को उदाहरण सीधे सीधे हैं। इसलिए सृजनकर्ता समाज की सोचने वाला, सबकी चिंता करने वाला विध्वंसक व्यक्ति हमको नहीं चाहिए, इस तरह का एक विषय ध्यान में आता है। ये सेवा का विचार जो आया विद्या भारती का पहले से ही, तो उसको हम लोग समाज तक कैसे ले जा रहे हैं, उसका केंद्र चला करके या बच्चों के बीच जा करके किस तरह हम लोग सेवा को बढ़ा रहे हैं? हमने अपने आचार्यों के माध्यम से, भैया बहनों के माध्यम से कि समाज में वो सेवा का काम करें। तो हम एक गीत कहते हैं, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। माने सेवा एक ऐसा विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं है, किसी भी सीमा तक जाकर के सेवा की जा सकती है। और सेवा की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा ड्रामा करना हो ऐसा नहीं है। कोई गरीब है, दीन दुखी है, अभावग्रस्त है, गरीब है, शिक्षित है, अशिक्षित है, उनके बीच में जाकर के हम सेवा के माध्यम से उनको अपना बना सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। व्यक्ति को लगता है मैंने एक छोटा सा बालक है, हमारे कक्षा 8 का बालक है, वो अपनी गली मोहल्ले में कोई अशिक्षित बालक है, शिक्षित नहीं, उसको 4 अंक उसने सिखा दिए, उसको कुछ कहानी सिखा दी, उसको 2 गीत सिखा दिए, यही उसका सेवा का काम। सेवा कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाला बड़ा बैनर लगा करके सेवा की जाए और देखो मैं सेवा कर रहा हूँ, जैसे कोई रोटरी क्लब करता है, कोई और क्लब करता है, वही सेवा नहीं है। बिना दिखाए, बिना स्वार्थ के, बिना किसी माने अपने दिखावा किए भी सेवा का काम किया जा सकता है। मेरे सामने 2-3 ऐसे उदाहरण हैं। एक बच्चा अपने विद्यालय में पढ़ता शिशु मंदिर में, मैंने पूछा आप सेवा का काम क्या करते हैं? तो उस बालक ने कहा मैं सेवा का काम करता हूँ। क्या करते हो? बोले हमारी दुकान के बगल में एक मोची आता है, वो मोची जूते गांठने का काम करता है, उसकी पत्नी खत्म हो गई है, उसके 2 बच्चे वो भी साथ में आते हैं। तो मैंने क्या किया, उन दोनों बच्चों को बिठाल करके कुछ कहानी सिखाना शुरू कर दिया, कोई गीत सिखा दिया, उनको कुछ अक्षर ज्ञान कराना सिखा दिया, कुछ और उनको छोटे छोटे कुछ पहेली अंताक्षरी ऐसे सिखा दिया। बालक बहुत खुश हो गए। अब उन बालकों के
मन के अंदर क्या भाव आ गया, इस भैया ने हमको बहुत सिखाया। उस भैया को क्या लगता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है, चलो मैंने इन दो बच्चों को कुछ अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान सिखाया, आगे बढ़े। ऐसा सेवा के छोटे छोटे से ऐसे प्रयोग हम बच्चों के बीच में करते रहते हैं। विद्या भारती में पहले से ही एक चार आयाम चलते हैं, उसमें एक योग शिक्षा कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया था, और कुछ दिन पहले जो योग का है एक विश्व लेवल पर योग का अभियान चला। लेकिन ये विद्या भारती पहले से ही करती आ रही थी, लेकिन कहीं दिखता नहीं था, जो आज अभियान के रूप में दिख रहा, लेकिन करते थे। तो इस योग शिक्षा का क्या महत्व? ऐसा है, योग तो हमारे देश का एक विषय है। योग माने क्या है? जोड़ना। योगमय संस्कृति हमारी पुरानी रही है, आज की नहीं, आध्यात्मिक माने इतने आदिकाल से आप देखेंगे तो हमारी ऋषि परंपरा में भी योग का शुरू से वर्णन आया है। दुर्भाग्य ये रहा कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे देश पर होने के कारण से ऐसा लगता है कि हम योग कहते थे, आज विदेश के लोगों ने योगा के रूप में हमको देना शुरू कर दिया। हमको लगा वाह ये तो बहुत एक नई चीज मिल गई। नहीं नहीं है, हमारे यहाँ तो ऋषि महर्षि संत महात्मा विद्वान कितने लोग रहे, यो योग के आधार पर ही वर्षान वर्ष समाज को एक दिशा देने का काम, वो जीने का काम, जीवन जीने की कला एक योग है, सबको जोड़ने का काम योग है, समाज को दिशा देने का काम योग है। योग तो एक हमारे देश की एक पुरानी परंपरा रही है, और योग आधारित शिक्षा माने हमने जैसे पांच प्रकार का एक विषय रखा है, शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा और संगीत शिक्षा। योग के द्वारा ये शारीरिक के योग ही नहीं है, इसके द्वारा हम व्यक्ति को योग माने एक परमात्मा से, एक ऐसी शक्ति जो हमको दिखाई नहीं देती उससे जोड़ने का काम भी योग है। उस दृष्टि से हम प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन भैया बहनों को इस ओर प्रेरित करते हैं और उसमें काफी आगे बढ़े। सेवा के माध्यम से और भी दूसरे संगठन जो भी चला रहे हैं शिक्षा का जो काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से उसी से जुड़े, जो कि आपके ही विचारधारा को आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाने में वो सहयोगी बन सके। हमने समाज के ऐसे लोग हैं जो घर गृहस्थी चलाने वाले लोग हैं, उनके बीच में भी हम विषय रखते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाला समाज है, गरीब है, अशिक्षित है, पिछड़ा है, माने एक वर्ग पढ़ लिख करके बहुत अच्छा हो गया, शेष समाज नहीं पढ़ा तो इस समाज का विकास हो जाएगा? नहीं हो सकता। सभी वर्गों को लेना पड़ेगा, सभी के साथ साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा, और सबको साथ लेके चलेंगे तो ही दिशा ठीक बनेगी। इसीलिए सब इस काम में लगे, इसीलिए समाज को हम दिशा देने का काम, समाज के लोगों को जोड़ने का काम हम उनको कहते हैं। आप भी कुछ करिए, कुछ हम करें, कुछ आप करिए, सब मिल करके करेंगे तो ही एक इस संपूर्ण देश का, संपूर्ण राष्ट्र का, समाज का कल्याण होगा। किसी एक व्यक्ति विशेष के करने से नहीं होगा। हाँ, व्यक्ति विशेष करके एक उदाहरण तो बन सकता है, लेकिन सब लोग करेंगे तभी समाज का या देश का विकास होगा। इसलिए सब लोग मिलकर के योग का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास का क्षेत्र हो, किसी प्रकार का सब में लग करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अलग अलग स्थानों पर आज सफलता हमको मिल रही है, उसका परिणाम भी दिखाई देता है। धन्यवाद, आपका समय मिला, और हम फिर आगे बातचीत में नए करी में जुड़ेंगे।